Good morning class, this is our new pathology class in which today we will study about the last topic of pathology of bones and joints, that is osteomalacia, or we can say osteomyelitis. Actually osteomyelitis is an inflammatory pathology of the bone mein inflammation ho jata hai. इसमें क्या हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया इज अ सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, बोन्स एकदम सॉफ्ट हो जाती है, उनमें मिनरलाइजेशन जो है वो ढंग से हो नहीं पाता है. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फॉस्फेट और कैल्शियम जो है वो हमारी बोन्स को इनएडिक्वेटली अवेलेबल होता है, सही मात्रा में अवेलेबल हो नहीं पाता. तो जब ये कैल्शियम फॉस्फेट अवेलेबल नहीं होगा तो मिनरलाइजेशन नहीं हो पाएगा, डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन होगा और कैल्शियम का रिजॉर्प्शन ओवर एक्टिव हो जाएगा बोन से. क्यों हो जाता है, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म की वजह से के बोन में से कैल्शियम का रिजॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा. यानी और हाइपर पैराथायरॉइडिज्म कैल्शियम का रिजॉर्प्शन हो जिससे हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, बोन से निकल गया तो कहाँ गया, ब्लड के अंदर चला गया, तो ये ऑस्टियोमलेशिया होता है. ऑस्टियोमलेशिया क्या चीज़ है भाई, बोन सॉफ्ट हो जाती है क्योंकि बोन का मिनरलाइजेशन सही नहीं हो रहा. मिनरलाइजेशन इसलिए सही नहीं हो रहा क्योंकि फॉस्फेट और कैल्शियम का अवेलेबिलिटी जो है वो बोन में प्रॉपर नहीं है. कैल्शियम का रिजॉर्प्शन बोन से ज़्यादा होने लग जाता है, ऐसा हाइपर पैराथायरॉइडिज्म की वजह से हो जाता है और ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा. ऑस्टियोमलेशिया बच्चों में, इसी ऑस्टियोमलेशिया को अपन रिकेट्स कहते हैं. देखो एक्चुअली सारी कैल्शियम की प्रॉब्लम्स है बच्चों में, रिकेट्स बड़ों में हो जाएगी ऑस्टियोमलेशिया और बूढ़ों में हो जाएगी तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, तो रिकेट्स कहते हैं. इसी का भी टर्म अपन ने ऑस्टियोमलेशिया कह दिया. इज ऑफन रेस्ट्रिक्टेड टू द माइल्डर एडल्ट फॉर्म ऑफ द डिजीज, इसी रिकेट्स की एल्डर फॉर्म को अपना ऑस्टियोमलेशिया कह देते हैं. इसके साइन सिम्टम्स में क्या हो रहेगा, बॉडी में पेन होएगा, मसल वीक्स हो जाएंगे और बोन्स जो है वो भृंगुर हो जाएगी, कि थोड़ी सी चोट लगी और चोट लगते ही फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाएगा, ऐसी हो जाती हैं बोन्स. तो डेफिनेशन क्या है, ऑस्टियोमलेटिस इन्फ्लामेटरी पैथोलॉजी है बोन की, जिस ये दो तरह की हो सकती है ऑस्टियोमलेटिस, एक तो एक्यूट पायोजेनिक और दूसरी क्रॉनिक ट्यूबरक्यूलस, और एक्यूट पायोजेनिक ओएम, क्रॉनिक ट्यूबरक्यूलस ओएम. ये ऑस्टियोमलेशिया की बोन देखो और ये नॉर्मल बोन देखो, कितना ज़्यादा फर्क है, कैल्शियम निकल चुका है ऑस्टियोमलेशिया से. अब क्यों हो जाता है भाई, कारण ऑस्टियोमलेशिया एक जनरलाइज्ड बोन की कंडीशन है जिसमें मिनरलाइजेशन बोन का इनएडिक्वेटली हो रहा है, सही चल नहीं रहा. मिनरलाइजेशन मतलब मिनरल का डिपोजिशन बोन्स में नहीं हो पाता. इस डिजीज़ के बहुत सारे इफ़ेक्ट जो होते हैं वो ओवरलैप होते हैं और सबसे कॉमन क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस. पर देखा जाए तो ऑस्टियोमलेशिया जिनको हुआ होता है वो एक्चुअली, मैंने बोला ना कि भाई इसी की इनिशियल स्टेज रिकेट्स है, मिड की स्टेज ऑस्टियोमलेशिया और लेटर स्टेज ऑस्टियोपोरोसिस, तो जुड़ी हुई है ये सारी कंडीशन. फिर भी अगर अपन कॉजेज देखें ऑस्टियोमलेशिया के, तो इनसफिशिएंट कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, अगर आपकी बोन्स में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, कहाँ से आएगा, इंटेस्टाइन से. इंटेस्टाइन से आया हुआ कैल्शियम अगर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा क्योंकि डाइट्री कैल्शियम कम हो गया है, डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन डी की, या विटामिन डी में कोई रेजिस्टेंस आ जाए उसके एक्शन वगैरह में, तब भी ऐसा हो जाता है. या तो डाइट्री कैल्शियम आप कम ले रहे हो या विटामिन डी जो है आप कम ले रहे हो, आपकी डेफिशिएंसी हो गई है या रेजिस्टेंस हो गया है, तो उसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है. और कैल्शियम नहीं तो फॉस्फेट की डेफिशिएंसी से हो जाएगा, क्योंकि रीनल लॉस अगर इसका बढ़ जाता है फॉस्फेट का, तो हमारी बॉडी में फॉस्फेट की कमी आ जाती है. इसके अलावा डाइट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ जाए, या आप सन लाइट से विटामिन डी नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपकी स्किन वैसे तो बनाती है विटामिन डी, पर अगर आप नहीं ले रहते हो, कौन नहीं रह रहा होता, जो बुर्का प्रथा है हमारे हिंदुस्तान में, महिलाएं हैं भी, चलो पुराने महीने तो घूंघट वगैरह में रह रही होती थी, बाहर निकलती नहीं थी, घरों से हमेशा घरों में बंद रहती थी, इसलिए उनकी हड्डियां वीक होती थी. आजकल वाली लड़कियां तो ढाटे बांध करके घूम रही होती हैं, पूरी बॉडी को अच्छे से कवर करके घूम रही होती हैं कि कहीं टैनिंग ना हो जाए. तो वो टैनिंग होए या ना हो जाए, ऑस्टियोपोरोसिस उनके अंदर हो जाता है.
इसके अलावा अगर विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म डिफेक्टिव हो जाए तब भी ये बीमारी देखने को मिल सकती है। मेटाबॉलिज्म डिफेक्टिव होने के साथ में रीनल डिजीज़ हो सकती है और लिवर डिजीज़ हो सकती है क्रॉनिक टाइप की, तब भी वो ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर देता है। क्रॉनिक रीनल डिजीज़ सबसे कॉमन कॉज है क्योंकि वन हाइड्रोक्साइलेशन जो 25 विटामिन डी का होता है वो इससे जुड़ी हुई कंडीशन है। इसके अलावा रीनल ट्यूबुलर डिसऑर्डर हो जाए, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स हो जाता है जिसमें यूरिन में फॉस्फोरस का लेवल हाई हो जाए क्योंकि फॉस्फेट जो है यूरिन में निकलने लग जाता है, या फिर क्रोमोसोम एक्स से लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटीमिया किसी को हो जाए कि फॉस्फेट की कमी हो गई, एक्स लिंक्ड प्रॉब्लम है ये, तब भी ऐसा हो सकता है। या फिर रीनल एकदम सही वर्क कर रही तो हो सकता है कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो गई हो, हिपेटोसेल्यूलर 25 हाइड्रोक्साइलेशन विटामिन डी का हो जाता है। बिलियरी में गट में एब्जॉर्प्शन ही सही नहीं हो रहा होता है इसका विटामिन डी का, या फिर फिनोबार्बिटल जैसे ड्रग्स अगर आप ले रहे हो तो लिवर पाथवे को ऑल्टर कर देती है, तब भी ये बीमारी होने का डर रहता है। इसके अलावा अगर विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो रहा है, क्रॉन्स डिजीज़ में ऐसा हो जाता है कि माल एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है, या फिर पार्शल गैस्ट्रेक्टॉमी किसी ने करवाई हो, मतलब होता है अगर किसी के अंदर पार्शल गैस्ट्रेक्टॉमी जिसमें फैटी फूड्स का सेल्फ रेस्ट्रिक्शन, अगर आप फैटी फूड को पूरी तरह से छोड़ देते हो तब भी ऐसा देखने को मिलता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती। तो ऐसा नहीं है कि आप पतले होने के चक्कर में पूरी तरह से घी तेल खाना एकदम ही बंद कर दो, ऐसा नहीं है, ये भी चीज़ें ज़रूरी है हमारी बॉडी के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन अगर कम हो रहा है, कब होता है, डाइफॉस्फोनेट्स के केस में होता है। और इसके अलावा भी कुछ कॉजेज़ है जैसे कि ट्यूमर की वजह से ऑस्टियोमलेशिया होना, कैडमियम की पॉइजनिंग होना, टाइटाइड डिजीज़ हो जाती है, तब भी ऐसा देखा जाता है। तो ये तो थे सारे कॉजेज ऑस्टियो मलेशिया के। अब साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? जॉइंट्स और बोन्स के अंदर दर्द रहने लगता है, फैलने वाला दर्द, स्पेशली स्पाइन में, पैल्विक रीजन में और लेग्स की बोन और पैर हर समय दर्द होते रहेंगे, स्पाइन में कमर दर्द हर समय रहेगा, मसल्स वीक हो जाती हैं, चलने फिरने में दिक्कत आ रही होती है, गायट हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है और वर्टिब्री जो है वो कंप्रेस हो जाएंगी, दब जाएंगी, जिससे कि जो आप सीधे खड़े नहीं रह पाते हो, स्ट्रेचर डिमिनिश्ड हो जाता है, पैल्विक फ्लैटनिंग हो जाती है, बोन्स वीक भी हो जाएंगी, सॉफ्ट भी हो जाएंगी और बहुत आसानी से फ्रैक्चर भी हो जाएंगी अगर छोटी मोटी चोट भी लगती है। बोन की बेंडिंग, बोन बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, झुक जाती है, ये सब साइन सिम्टम्स है। तो ये देखिए बोन बेंडिंग, वैसे तो ये वाली चीज़ आपने रिकेट्स में पड़ी हुई है, बच्चों में देखने को मिलती है, पर अगर क्रॉनिक एडल्ट्स में भी हो जाए तो ये देखने को मिलती है, ऐसे बेंडिंग हो जाती है। इसके अलावा एडल्ट्स के अंदर ऑस्टियोमलेशिया जो है वो स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें स्टार्टिंग में दर्द हो रहा होता है, लंबर में दर्द है, लोअर बैक रीजन में, स्पेशली थाइज में, तो आर्म्स और रिब्स को फैलाने से पहले दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। पेन सिमेट्रिकल टाइप का होता है, रेडिएट नहीं होता, सेंसिटिविटी हो जाती है, बोन्स जो भी इन्वॉल्व रहती है जिनमें ऐसा हो रहा है उनमें वो बोन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन जाती है। प्रॉक्सिमल मसल्स के अंदर, प्रॉक्सिमल मसल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप बैठे हैं लेटे हैं तो उठने में एकदम से आप उठ नहीं पाएंगे, ये इसके साइन सिम्टम्स हैं। डीमिनरलाइजेशन की वजह से बोन्स की रिजिडिटी कम हो जाती है, फिजिशियन साइन में डीफॉर्मिटी आ जाएगी, ट्राई रेडिएट पैल्विस हो जाएगी वगैरह, गायट हो जाएगा चौड़ा सा। हालांकि फिजिकल साइंस जो है ठीक है, वो ऑस्टियो प्रीवियस ऑस्टियोमलेशियल स्टेट से बताए गए हैं, और वापस वो बेचारी बोन्स अपनी शेप भी नहीं ले पाती हैं क्योंकि वो अब डिफॉर्म्ड हो चुके हैं, तो आप इसका ट्रीटमेंट भी ले लोगे तो ऐसा नहीं है कि बोन्स अपनी शेप में आ जाएंगी, नहीं आ पाती। साइन सिम्टम में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो जाता है, वेट बियरिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा भार उठाने की कोशिश करो इन वीक बोन्स के साथ, बेचारी वीक तो पहले हुई पड़ी हैं, ऊपर से आपने भार और उठाया है तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ओनली एलिग्ड सिम्टम, जैसे बहुत ज़्यादा थकावट होना, हड्डियों में दर्द होना, आर नॉट स्पॉन्टेनियस बट ओनली रिवल्ड बाय प्रेशर और शॉक्स। कई बार ये चीज़ें एकदम से नहीं होती, कोई प्रेशर या शॉक में ही ये दर्द और थकावट हो रही होती, नहीं तो नहीं भी होता कई बार। रीनल ऑस्टियो डिस्ट्रॉफी से यह अलग होता है,
क्योंकि उसके अंदर हाइपर फॉस्फेटीमिया देखने को मिलता है बाद में, जबकि इसमें ऐसा कुछ होगा कोई जरूरी नहीं है। अब ऑस्टियोमलेशिया को अगर आप लैब में देखेंगे तो बायोकेमिकल फीचर्स एकदम रिकेट्स के जैसे दिखाई देंगे। मेजर फैक्टर में विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ब्लड सीरम में इसकी कंसंट्रेशन कम मिलेगी आपको, और बायोकेमिकल टेस्ट में लो सीरम और यूरिनरी कैल्शियम, सीरम में भी यूरिन में भी कैल्शियम कम हो जाएगा, सीरम में फॉस्फेट भी कम हो जाएगा। केवल रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी में ऐसा नहीं होता, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज का अमाउंट आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा क्योंकि कंपनसेटरी ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है, पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ जाता है लो कैल्शियम की वजह से। इसके अलावा टेक्नीशियम जो है बोन स्कैन से आपको पता चलेगा कि एक्टिविटी बढ़ गई है क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट बढ़ जाता है। अब ये कंडीशंस बताई गई हैं कि किस किस कंडीशन में आपको क्या क्या दिखाई देगा। देखो ऑस्टियोपिनिया यानी नंबर ऑस्टियोसाइट्स का नंबर कम हो जाना, कैल्शियम उस केस में अनअफेक्टेड रहता है, फॉस्फेट पर भी असर नहीं पड़ता, एल्कलाइन फॉस्फेट नॉर्मल रहेगा, पैराथायरॉयड पर असर नहीं पड़ेगा, स्पेशल फीचर्स में बोन का मास इसमें कम हो जाता है। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है तब भी कैल्शियम फॉस्फेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ मिलेगा जब आप बायोकेमिकल टेस्ट कराओगे। पैराथायरॉयड पे कोई ऐसा नहीं होता, स्पेशल फीचर्स में थिक डेंस बोन्स बन जाती है, बोन्स जो होती हैं वो ज़्यादा थिक हो जाएंगी, ज़्यादा मोटी हो जाएंगी। ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स हुआ है तो उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों कम होते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ जाता है, पैराथायरॉयड हार्मोन भी बढ़ा हुआ दिखाई देगा और बोन्स एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं। ऑस्टियोलाइट्स फाइब्रोसा सिस्टिका अगर हो गया तो कैल्शियम उसमें बढ़ा हुआ होता है पर फॉस्फेट कम होता है, एल्कलाइन फॉस्फेट और पैराथायरॉयड दोनों बढ़े हुए होंगे और बोन ब्राउन ट्यूमर आपको दिखाई देगा। और अगर पैगेट्स डिजीज़ किसी को हुई है तो कैल्शियम पे कोई असर नहीं होता पर फॉस्फेट कम हो जाएगा, एल्कलाइन फॉस्फेट वेरी करता है कभी कब कमी ज़्यादा, पैराथायरॉयड पे कोई असर नहीं पड़ता और बोन की स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो जाती है। ये कंपैरिजन मैंने आपको क्यों बताया, ताकि आप पहचान सकें जब पर्सन आपके पास कोई बोन की बीमारी लेकर के आ रहा है तो उसको कौन सी बीमारी हुई है, पैगेट्स डिजीज़ हुई है, ऑस्टियोलाइट्स हुई है, ऑस्टियोमलेशिया हुआ है, पोरोसिस हुआ है, कि ऑस्टियोपिनिया हुआ है, तो आप उनको पहचान सकें, इसलिए ये कंपैरिजन हमने आपको बताया है। अब रेडियोलॉजी आप करके देखेंगे तो मिनरलाइजेशन आपको डिफ्यूज़ कहीं पे कम है, मिनरल्स कहीं पे ज़्यादा हैं ऐसा दिखाई देगा, ऑस्टियोपोरोटिक जैसे पैटर्न बन जाएंगे, मतलब बीच बीच में ऐसे खाली स्थान दिखाई दे रहे होंगे, पोरस हो गई ना बोन डीमिनरलाइजेशन की वजह से, कि मिनरल वहाँ से निकल गया तो जगह खाली हो गई तो पोरस बोन दिखाई देगी, ट्रैबिक्यूली कोर्स दिखाई देगा, फ्रैक्चर की इनसफिशेंसी, स्यूडो फ्रैक्चर भी हो सकता है कि किसी जगह से कुछ जगह ऐसी कम कम सी लग रही है, ऐसा लगता है जैसे वहाँ फ्रैक्चर हो गया होगा पर है नहीं वो, आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन हालांकि अनकॉमन है पर फिर भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी पिक्चर दिखाई दे सकती है आपको, ऑस्टियोजेनिक साइनोवाइटिस दिख सकता है, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी पिक्चर आपको दिखाई दे सकती है, ये बोन के ही एबनॉर्मेलिटी है। ये देखिए ये इस तरह की पिक्चर आपको दिखाई देगी जैसे कोई खोखली हो गई है ये बोन, ऐसा लग रहा है, या हाथों के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स, ये सारे एक्सरेज हैं बोन के जो हमारे को करवाने हैं। अब ट्रीटमेंट हालांकि ज़रूरी है ही नहीं अपने लिए तो ट्रीटमेंट, पर यहाँ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि न्यूट्रिशन का हमें ध्यान होना ही चाहिए, चाहे वो पैथोई पढ़ रहे हो। न्यूट्रिशनल ऑस्टियोमलेशिया जो है रिस्पॉन्ड करता है अगर अपन 10,000 IU वीकली उनको विटामिन डी देते हैं, 4 से 6 हफ्ते तक अगर आप दोगे तो काफ़ी आराम मिलेगा, तो ये अपने को करना चाहिए और उनको कहना चाहिए डाइट आप अच्छी लीजिए। इसमें ट्रीटमेंट में इंजेक्शन और ओरल डोज भी दे सकते हो विटामिन डी की, और कैल्सिट्रॉल सप्लीमेंट दे सकते हो CKD के लिए। बस इतना छोटा सा ही टॉपिक है, लास्ट टॉपिक था बोन्स जॉइंट्स, यहाँ पर आपके ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि पैथोलॉजी में बोन्स के ऊपर आ रहा होता है, फिर भी अगर आपको कोई लगे कि कोई टॉपिक है जो आ रहा है और मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, आपका वो टॉपिक नहीं हुआ है, तो आप मेरे को बता सकते हैं, अपने CR को आप WhatsApp करिए, मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। अपना ये सिस्टम बोन्स और जॉइंट्स पूरा हो चुका है, इसके बाद हम CNS पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।